रहे दाम 5,000 5,700 6,700 GB के ऊपर जाम है। ये आईफोन 12 है, पूरा आईफोन 12 देखो, आईफोन 12 मिनी 3849 रियाल का, छोटा सा है, छोटा सा देखो, एकदम छोटा सा। मुझे पता है कि बहुत सारे भाइयों के पास एप्पल का फोन है, बहनों के पास एप्पल का फोन है, लैपटॉप है, ठीक है, मगर मैं आपको क्यों दिखाने जा रहा हूँ, चलिए मैं आपको इसलिए दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी लेना है आजकल में। वैसे तो मैं आपको ये आईफोन 11 से वीडियो बना रहा हूँ और मुझे भी लेना है इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआ रही तो हम ले लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि यूट्यूब पे काम करना है तो चेंजिंग लाना पड़ेगा और हमें यहीं से सामान खरीद के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो सामान है वो अपने इंडिया में वैसा नहीं मिलेगा इसके लिए। तो हम चलते हैं अभी एप्पल का फोन और एप्पल के लैपटॉप देखने के लिए एप्पल स्टोर में, ठीक है। सिर्फ मैं एप्पल स्टोर ही दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने नखिल मॉल दिखा रखा है। वैसे मैं आई बटन में दे दूंगा वो वीडियो, आप लोग देख लेना नखिल मॉल कैसा है यहाँ पर। तो चलते हैं, नखिल मॉल का गेट नंबर 1 है, बाहर से थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको, ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं अंदर, मिलते हैं आपसे। भाई साहब मॉल के अंदर आओगे तो तौकलना ऐप चेकिंग किया जा रहा है। अभी मैं आया हूँ और मेरे को तौकलना ऐप दिखाना पड़ा है। पीछे देख रहे हो सिक्योरिटी गार्ड सब, बिना तौकलना ऐप दिखाए हुए इंटर नहीं कर सकते मॉल के अंदर में, कसम से। बाहर में बहुत भीड़ लगी हुई है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने तौकलना ऐप बना लिया था और मेरे को एंट्री में प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या बात है, पूरा चेकअप हो रहा है नखिल मॉल में।
एप्पल स्टोर बाहर से, प्रीमियर रिसेलर एप्पल स्टोर बाहर से देख सकते हो। ज़बरदस्त इंट्री करते हैं और घूमते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इंट्री करते ही यहाँ पे है एप्पल स्टोर में आईफोन 12 प्रो, आईफोन मिनी, ठीक है। दाम देखो, अच्छा खासा दाम है भाई, लग जा भाई चार्जर में। देख रहे दाम 5,000, 5,700, 6,700। GB के ऊपर जाम है। ये आईफोन 12 है पूरा, आईफोन 12 देखो, आईफोन 12 मिनी 3,849 रियाल का है, छोटा सा है, छोटा सा देखो, एकदम छोटा सा। तो भाई आज के व्लॉग में बस यही सब दिखने हैं, दिखाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। बाकी आईफोन की बात किया है भाई, इसकी तो कुछ अलग ही बात है। ये आईफोन 11 है जो मेरे पास में है, ये वाला फ़ोन जिससे मैं अभी आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वही मोबाइल है, कैमरा कहाँ गया भाई, तो देख सकते हो आप। आईफोन 11 है मेरा भी, बहुत बढ़िया फ़ोन है यार, बहुत बढ़िया, एक नंबर फ़ोन है। इन्होंने बहुत ही अच्छा से सजा रखा है, ये देखो आईफोन 12 का डिज़ाइन वगैरह सब अच्छा से। ये सब केस यहाँ पे मिलता है, आईफोन 12 का केस है, स्टूडियो है, हेडफोन है, आईपैड छोटा सा, बहुत ही अच्छा बना रखा है इन लोगों ने, देखो। आईपैड वगैरह सब है, ठीक है। इधर ये सब आईपैड है, आईपैड के साथ में कीबोर्ड लगा हुआ है जब अटैच करेंगे ताकि आईपैड ख़राब ना हो। देखो आईपैड प्रो, अच्छा दाम यार, 4,549, 7,000, 6,000 का 49 का, इस तरीके से बहुत हेवी है, ठीक है। ये पूरा आईपैड है, ये पूरा सेक्शन पूरा आईपैड में, इसमें भी कैमरा वगैरह सब अच्छा लगा रखा है। इधर है आईफोन 12 का मिनी, देख सकते हो पूरा अच्छे अच्छे कलर में है, ब्लू कलर में छोटा सा फ़ोन। एक बात कहूँ, ये फ़ोन सब जो है ना, जैसे कितना छोटा फ़ोन है, एकदम छोटा सा फ़ोन है, छोटा सा। इसकी क्वालिटी में भाई आईफोन तो आईफोन ही होता है, लेकिन भाई साहब क्या बात है। देखो कैमरा, देखो इसका स्टेबलाइजेशन अभी ऑफ है, इसकी वजह से ऐसा फ़ोटो आ रहा है। बाकी देखो मोबाइल कितना छोटा है, देखो। तो आईफोन 12 की कीमत आपको मैंने बताया, 64 GB का है 3,349, 128 GB का है 3,599, 256 GB का है 4,000, मतलब कि 4,100, समझ गए। आईफोन 12 मिनी का, मिनी मतलब छोटा फ़ोन। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मैकबुक एयर, ठीक है। तो मैकबुक प्रो 16 इंच आता है, मैकबुक 13 इंच आता है, ठीक है। मैकबुक एयर आता है, मैकबुक प्रो 13 इंच आता है। तो ये मैकबुक एयर है, जबकि मैकबुक एयर में और मैकबुक प्रो में बहुत फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मोस्ट एक्सपेंसिव लैपटॉप में मैकबुक का लैपटॉप बोला जाता है, जो कि हर किसी का सपना होता है कि भाई एप्पल का लैपटॉप हो,
क्योंकि इसके अंदर में जो फंक्शन वगैरह है ना, वो सारी चीज़ें जो है, जो विंडोज़ लैपटॉप होता है उसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो इसके अंदर है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी काम आप करते तो फास्ट हो जाता है। ये मैकबुक एयर है, ठीक है, ये तीनों का तीनों मैकबुक एयर का मॉडल है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। इसमें टच स्क्रीन, देख रहे हो, टच पैड नहीं है, टच कीपैड नहीं है, नॉर्मल सा कीपैड है। इसका भी दाम अच्छा खासा यार, 5000 रियाल मान लो टैक्स लगा करके। ये मैकबुक एयर का सेक्शन है पूरा, ठीक है, एप्पल का लोगो के साथ साथ। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको मैकबुक प्रो 16 इंच, देख लो माशाल्लाह, ये बड़ा है लैपटॉप। ये साइज इसका जो है 16 इंच का है, और इसमें देखो इसके टच, इसमें टच पैड दिया हुआ है। ये अगर आप कोई भी बटन चाहो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी चीज़ खोलना चाहोगे वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और इसके अंदर में फंक्शन है, जो मोबाइल के अंदर फंक्शन है ना, वैसे सैमसंग फंक्शन है पूरा, ठीक है, इस तरीके से पूरा बना हुआ है ये मोड। ये मैकबुक प्रो 16 इंच है, इसका दाम देखो भाई 11,500 रियाल है। कितना है, 512 GB का, हाँ, इसके पास 16 GB रैम है। देखो 1 TB का 13,500 रुपये दाम है, देख रहे हो, मैकबुक प्रो 16 इंच। और अब आते हैं तो यहाँ पर है ये मैकबुक प्रो 13 इंच, जबकि इसके अंदर में M1 नहीं है, M1 न्यू चीप आया है, वो न्यू चीप M1 वाला नहीं है। और ये देख लो मैकबुक प्रो 13 इंच, इसके अंदर लगा हुआ है M1 चीप, ठीक है। तो ये मैकबुक प्रो का सेक्शन है, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, अभी मुझे सही से चलाना भी नहीं आता। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस वाले फंक्शन में जो M1 चीप लगा हुआ है कि आप पावर बैंक से चार्ज कर सकते हो। दूसरी बात कि इसके अंदर जो मोबाइल का फंक्शन है, सेम फंक्शन इसके अंदर दिया गया है, ठीक है, जैसे आप मोबाइल में चलाते हो ना, एप्पल के मोबाइल में सेम फंक्शन इसके अंदर दिया गया है पूरा। तो ये सबसे बड़ी खासियत है इसके अंदर, सेम है, देखो सेटिंग, मैसेज, इनबॉक्स और A to Z, मतलब कि मोबाइल का सारा सामान जो है इसके अंदर लगा दिया गया है। सॉरी, मोबाइल के अंदर में एक चिप आता है, वो चिप को क्या किया, फ़ोन से निकाल के इसके अंदर भी इंस्टॉल कर देगा, जो सुपर फास्ट, सुपर हिट फास्ट काम करता है हर एक चीज़, ठीक है। इसके लिए देखते हैं फिलहाल अभी कैसे बंद करेंगे इसको, हाँ यहाँ से बंद करेंगे आई थिंक, ये रहा, क्या बात है, अच्छा है यार, चलाने में भी सुपर, देखो फ़ोन की तरह चलेगा अभी। ये टच पैड देखो यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है ये बड़ा है एकदम, बटन है इसके अंदर, बटन दिया हुआ है, देख लो बटन है, देख रहे हो, नो और नॉट अवेलेबल, अभी ये सिस्टम अपडेट नहीं है, मतलब सही से ये चालू नहीं किया हुआ है, अच्छा बनाया हुआ है। फिलहाल तो अभी हमने आपको दिखा दी यहाँ पर जो एप्पल स्टोर के अंदर में मेन सामान था, अभी हम इनसे बातें करते हैं इस लैपटॉप के बारे में, देखते हैं डिटेल्स क्या है नहीं है। तो अभी इनसे मैंने बातें की लैपटॉप के बारे में, तो जो लैपटॉप मुझे चाहिए वो इनके पास में अभी नहीं है, है लेकिन जो प्रोसेसर स्पीड वाला जो लैपटॉप है ना वो नहीं है इनके पास में, बोल रहा है सैटरडे तक आएगा। मुझे लगता है कि और भी 2-3 स्टोर में घूम करके इनको बोलना पड़ेगा कि भाई मंगा करके रखो ताकि मैं बाद में आके ले सकूं, लेने से पहले भाई पैसे की भी तो जुगाड़ करनी है कि नहीं, क्योंकि 7,000 रियाल का सामान, 7,500 रियाल सोच सकते हो, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लाइफ में मैंने कभी भी नहीं सोचा था, बट करना पड़ेगा। तभी मैंने पूरा दिखा दिया आपको एप्पल स्टोर, चलते हैं बाहर, गाड़ी में बैठ के आपसे बात करते हैं, ठीक है, चलिए। बाहर निकल रहा हूँ मैं, लेकिन देखो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर, सिक्योरिटी गार्ड सब खड़े हैं, तो अकलना ऐप चेक करने के लिए, देख सकते हो भीड़ लगी हुई है। तो बात ऐसी है, सऊदी गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है कि अगर आपके पास में तवक्कलना ऐप आपके फोन में एक्टिव नहीं है तो आपको किसी भी मॉल या गवर्नमेंट के ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी। जब तक तवक्कलना ऐप नहीं होगा तब तक एंट्री नहीं मिलेगी। मैं तो थोड़ा सा अंदर से शूट करके आपको दिखा दिया वीडियो में, लेकिन बाहर में बहुत जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। एक एक आदमी अगर अंदर जाना चाहता है तो उसको तवक्कलना ऐप दिखाना पड़ेगा। तवक्कलना ऐप का मतलब मालूम है क्या है, कि तवक्कलना ऐप के अंदर में बहुत सारे कलर्स के ग्रीन के सिस्टम है, जो कि अगर आपसे कोई भी COVID-19 मतलब कोरोना का पेशेंट हो या कोरोना पॉजिटिव हो, कोई भी अगर ऐसा इन्फेक्शन लगता है तो वो ऑटोमेटिकली कलर चेंज कर देता है, ब्लूटूथ हमारा ऑन रहेगा। यहाँ पर लागू किया गया है कि आपको तवक्कलना ऐप डाउनलोड कर रखना है। तो ये सिस्टम चाइना वाला था, वो सिस्टम यहाँ भी लागू हो गया है, ठीक है। जैसे अपने इंडिया में है ना, वो कौन सा ऐप है, मैं भूल गया नाम, पता नहीं कौन सा, आप में नाम भी नहीं याद मेरे को, तो वही सिस्टम है। कई सारे लोगों को मजाक लग रहा है ये बात, भाई ये सीरियसली है, इससे बहुत सारे पेशेंट को पकड़ा भी गया है
और ये सीरियसली है, ठीक है। तो एप्पल स्टोर मैंने आपको दिखाया, मुझे मालूम है कि बहुत सारे भाइयों को एप्पल स्टोर की वीडियो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि भाई इतना एक्सपेंसिव जगह का वीडियो दिखाए हो, सपना ही है जो हम खरीद पाएंगे। अब पता है कि इतना खर्चा कोई भी नहीं करने वाला। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं वो लैपटॉप क्यों ले रहा हूँ। वाजिब सी बात यह है कि यहाँ से लैपटॉप ले लेता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे यूट्यूब पे काम करना है। तो यूट्यूब पे काम करने के लिए यूट्यूब में इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, इतना ईजी नहीं है। और जैसे जैसे आपका चैनल बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर की जो कमियां है वो आपको दिखने लगती है। जब तक आप छोटे छोटे बोलते ना, जब तक आप थोड़ा थोड़ा काम करते हो तो आपको पता नहीं चलता। अब तक मैं एडिटिंग इस एप्पल से करता था तो मुझे अभी भी बहुत सारी परेशानियां आती है जो कि पहले नहीं आती थी, क्योंकि इतना पहले वीडियो एडिटिंग वगैरह तो करता नहीं था, छोटा मोटा रहता था एडिट कर देता था। लेकिन अभी आप सोचो 40-42 मिनट का व्लॉग शूट करता हूँ, उसको एडिटिंग करने में इस फोन की हालत खराब हो जाती है। हालत खराब हो जाती है यार। 4K वीडियो होता है, ठीक है, फुल HD 4K वीडियो, और आप समझ लो कि कितने GB का वो वीडियो होगा। इसके लिए अब घर पे जाना है तो लेना ही पड़ेगा लैपटॉप, इसके लिए मुझे ये इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो आगे चल करके मुझे अपना भी काम करने के लिए पूरा बोलते ना एक पैराग्राफ तैयार करके रखा है मैंने। घर पे जाके मुझे क्या करना है नहीं करना है तो वो सब कुछ लेकर के चलना पड़ेगा। 2-3 महीने टाइम बचे हैं यहाँ पर फाइनली, तो सारा अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा, और रखना पड़ेगा भाई बिल्कुल। क्योंकि अभी से अगर मैं नहीं सोचूंगा तो मैं आगे जाकर के फिर मैं घर पे बैठकर रोता रहूंगा कि भाई मैं अच्छा बेकार लैपटॉप सेकंड हैंड ले लिया या पुराना ले लिया। मैं लैपटॉप सेकंड हैंड भी ले सकता था, लेकिन लैपटॉप सेकंड हैंड इसलिए ले लिया क्योंकि इसके अंदर में फिर सिक्योरिटी सिस्टम, मेरा यूट्यूब चैनल है उसके अंदर में फिर मैं लॉग इन करूँ कि प्रॉब्लम आ जाए कल को, तो इसकी वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और यूट्यूब चैनल बनाने में जितनी 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 मेहनत लगती है, अगर आपसे ये कोई छीन के ले जाए तो आपकी क्या हालत होगी। तो ये सारी चीज़ें रीज़न वाइज ये है। थैंक गॉड कि अल्लाह ताला ने मुझे ये यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म दिया, जो कि मैंने अपने आप को एक प्रूव्ड बोलता है ना कि अपने आप को एक परिचय, एक अपना पहचान बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैडम का करेंगे इंतजार, बातें होती है खत्म, और आप लोगों की दुआ रहेगी तो हम ले लेंगे। कोशिश पूरी जारी है, किसी भी तरीके से ले लेना है इसे यहाँ पर, किसी भी तरीके से ले लेना है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अमीर बाप का बेटा हूँ, मेरे ऊपर भी बहुत सारे कर्जे अभी भी है सर पे, ठीक है। तो वो सारे कर्जे अभी भी पड़े हुए हैं और मुझे काम करना, तो इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीधी बात है। बस यही है भाई, कोई दिखावा नहीं है। मैडम का इंतजार कर रहा हूँ, मैडम आती है तो फिर चलेंगे घर पे। मैं वीडियो अब यहीं पर एंड करने वाला हूँ, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, मसलामा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और पुरानी वीडियोस देख लो, शायद आपको अच्छी भी लगे। लाइक करके जाना, एक कमेंट करके जाना, बहुत शुक्रिया दिल से, लव यू, बहुत सारा प्यार यार। लाइक करके जाना वीडियो को, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है नहीं लगा है, फिर भी लाइक करके जाना, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।